हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप बहुत ही बेहतर होंगे और अच्छे से अपना नीट और जेई की तैयारी कर रहे होंगे। मोटिवेटेड रहिए। और इससे पहले वाला अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो वो लेक्चर देख लो। और सेमीकंडक्टर पे जो प्रीवियस ईयर है सोल्यूशन है ये मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। और अगर इसमें जितने भी क्वेश्चन अगर तुम उनको कर लेते हो तो तुम्हें नीट और नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो तुम्हें तुमसे सॉल्व ना हो। क्योंकि जब 60-70 क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से फैकल्टी डिस्कस कर देता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा डिस्कशन नहीं होता है, तो वो क्या है कि उतने क्वेश्चन बस कर लो, सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हैं, ख़त्म कहानी। एक क्वेश्चन आएगा या से मतलब लॉजिक गेट से एक और डिवाइसेज और सेमी कंडक्टर से एक, दो क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं। तो चलो ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर देखो, एक आसान क्वेश्चन है, इसको मैं एक आसान कैटेगरी के क्वेश्चन में रखता हूँ। कहता है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन दिया हुआ। वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, ये है प्यारे बच्चों 50। वोल्टेज गेन एम्पलीफायर। इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आउटपुट रेजिस्टेंस दिया। पावर गेन निकालना है। तो पावर गेन क्या होता है? तो पावर अगर गेन होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पावर गेन को वोल्टेज गेन का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन। तो रेजिस्टेंस गेन हम सबको पता है, रेजिस्टेंस गेन क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट सर्किट और रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट। तो आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर जब हम पढ़े थे, समझ रहे हो ना, बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ऐसे था। तो ये जो रेजिस्टेंस इधर लगा था वो आउटपुट वाला था, और ये रेजिस्टेंस, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, आईसी है, ये आईबी है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इनपुट है, ये रेजिस्टेंस आउटपुट वाला। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हम लोग को प्यारे बच्चों दिया हुआ है 200 के इक्वल है, और डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस 100 है। तो 20 ने 20 को, तो वोल्टेज गेन 2 आ गया, सॉरी रेजिस्टेंस गेन 2 आ गया, और वोल्टेज गेन प्यारे बच्चों यहाँ 50 दिया हुआ है। तो मैं पावर गेन जो है वो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 25। तो 25 ठीक है, 125.0, दिस इज द पावर गेन। इतना टाइम्स पावर एम्पलीफाई हुआ होगा, जो आप इनपुट पावर लगाओगे तो आउटपुट पावर इतना टाइम्स बढ़ गया होगा, एम्पलीफाई हो गया होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर। चलो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स।